हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और वहां पर जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। लेकिन आप लोग एक चीज जानते हैं कि अमेरिका में वैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जैसे अपने यहाँ ग्राम प्रधान या BDC की वोटिंग होती है। दोस्तों, अमेरिका में EVM से इसलिए वोटिंग नहीं होती है क्योंकि वहाँ के लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको इसके ऊपर डर है कि इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, इसको हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका में ईमेल से भी वोटिंग होती है, ईमेल से वोटिंग क्यों होती है, ईमेल से कौन कौन वोट दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका में ईमेल से वोट देने का अधिकार या ईमेल से वोट केवल वही लोग दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वह विश्व के कोने कोने में हर जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में अपनी ड्यूटी निभा रही है और वहां पर आतंकवाद विरोधी आतंकवाद से लड़ रही है। इराक में उनकी सेना आया, हर देश में लगभग कहीं ना कहीं उनकी सेना अपनी ड्यूटी दे रही है। अब कोई जो भी व्यक्ति वहां पे उस देश में उसकी ड्यूटी है किसी और देश में, अब वहां से वोट देने तो आ नहीं सकता। अगर सब लोग आ जाएंगे तो वहां सुरक्षा कौन करेगा, इसलिए ऐसे लोगों के लिए ईमेल से वोट देने का प्रावधान है। लेकिन वो भी सिक्योर साइट से वह फॉर्म अप्लाई करेगा और जो भी अमेरिकन आर्मी के लोग हैं उनकी अपनी वेबसाइट होती है, उसी के द्वारा वो ईमेल से वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल से वोटिंग करने का अधिकार, जैसे अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य हैं वो लोग भी ईमेल से वोटिंग कर सकते हैं। जैसे हवाई अमेरिका का एक राज्य है, वहां के लोग ईमेल से ही वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के वह नागरिक जो विकलांग है, अगर भारतीय भाषा में बोला जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया हुआ है दिव्यांग, जो वहां के दिव्यांग है वो लोग भी ईमेल से वोटिंग कर सकते हैं। या किसी विशेष परिस्थिति में आप अगर बैलेट पेपर से वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो आप भी ईमेल से वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।